महाभारत कई तरह की कहानियों और रहस्यों से भरपूर महाग्रंथ है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह तीरों की संख्या पर लेटे हुए थे। उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि वह खुद न चाहें, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद वह महाभारत के युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। दिन में युद्ध समाप्त होने के बाद शाम को पितामह से मिलने सभी लोग आया करते थे। एक रोज जब द्रौपदी आई तो उन्हें देख जोर जोर से हंसने लगी। भीष्म पितामह कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के लिए बहुत पूजनीय थे। ऐसे में द्रौपदी को उनकी इस अवस्था पर हंसता देख सब आश्चर्य में पड़ गए। सभी क्रोध में डूबी नजरों से द्रौपदी की ओर देखने लगे, लेकिन द्रौपदी अभी भी खिलखिलाते जा रही थी। अंत में द्रौपदी ने कहा, आज जो भीष्म युद्ध के नियमों और आदर्शों के बारे में सबको प्रवचन दे रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि तब इनके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में दुर्योधन ने मेरा चीरहरण किया। यह तो भीष्म पितामह थे, जानते थे कि यह गलत हो रहा है, फिर क्यों ये चुप रहे? क्या तब वह अपने आदर्श और मूल भूल गए थे? द्रौपदी का व्यंग सुन भीष्म ने कहा, हे पांचाली, मैं जानता था कि सभा के मध्य जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। भीष्म ने कहा, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं है। अन्न ने मेरी जीभ को अपने बस में कर दिया और बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने उस समय इसे बस एक खेल का नियम समझा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ऐसी और विश्वसनीय वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।